यह कहानी बिहार के गोपालगंज की है, जहाँ 1987 में एक हवेली हुआ करती थी जिसका नाम लाल घर था, जो कि एक हवेली थी इसलिए लाल हवेली के नाम से भी जानी जाती थी। उस घर में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था, जो कि 1972 में वही उस लाल घर में रहते थे, पर फिर किसी निजी कारणों की वजह से उस घर को छोड़कर कहीं किसी दूसरे स्थान पर चले गए। पर उस घर का एक सदस्य चिंतामणि दुबे उसी हवेली में रहता था। चिंतामणि एक विद्वान ब्राह्मण था जिसकी संस्कृत भाषा पर अच्छी पकड़ थी और उसे वेदों और पुराणों की भी अच्छी जानकारी थी। चिंतामणि लोगों की शादी में पुरोहित का कार्य संभालते थे और हवन यज्ञ के सभी अनुष्ठान करवाकर अपना गुजारा चलाते थे और उस हवेली की देखभाल किया करते थे। पर जैसे कि सभी लोगों को पता है कि 19वीं सदी के बिहार में कई नकली संगठन हुआ करते थे। उन्हीं में से किसी नक्सली संगठन ने एक रात हवेली में घुसकर चिंतामणि दुबे को मार डाला था और कुछ सामान जो कि बहुत ज़्यादा कीमती थे वो चुरा कर वहाँ से भाग गए थे। चिंतामणि की लाश उस लाल घर में 4 दिनों तक पड़ी रही थी। जब लोगों ने देखा चिंतामणि कुछ दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो गांव का एक व्यक्ति ने लाल घर में चिंतामणि से मिलने के बारे में सोच लिया। जब व्यक्ति घर में घुसा तो बुरी तरह से कोई तीव्र गंध आ रही थी जो चिंतामणि की लाश से निकल रही थी, और फिर उसने चिंतामणि के मृत शरीर को ज़मीन पर पड़ा देखा तो वह चिंतामणि के पास गया और चिंतामणि के मृत शरीर को देखकर चिल्लाने लग गया और अगल बगल के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। सभी गांव के लोगों ने देखा कि चिंतामणि मरा हुआ है और उसके शरीर से बुरी तरह से गंध आ रही थी और हवेली से कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी गायब हो चुकी थी। उस व्यक्ति को क्या पता था कि इसके बाद तो नए हादसे शुरू होने वाले थे, किंतु उस वक्त जो उसको सही लग रहा था वह वही कर रहा था। गांव के लोगों ने चिंतामणि के घर वालों को संदेश भिजवाया था कि जो कहीं दूसरे शहर में रह रहे थे ताकि वो चिंतामणि के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, पर उसके समय पर ना आने की वजह से गांव के लोगों ने ही चिंतामणि का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, हवेली पूरी तरह से खाली हो चुकी थी, कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार रहा था, मानो वह हवेली पूरी तरह से सुनसान हो चुकी थी, एक खंडर में वह धीरे धीरे बदल चुकी थी, सिर्फ उसमें गांव के कुत्ते ही जाकर रहा करते थे। दिन यूं ही गुजरते रहे और करीब 2 साल बाद वहां पर एक भूतिया हादसा शुरू हो जाता है। लगभग 2 साल के बाद एक रात को अचानक से उस हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग जाती हैं और वह पूरी हवेली रोशनी से भर जाती है, जैसे किसी ने हवेली के अंदर बहुत सारी तेज़ रोशनियों वाली कई लाइटों को लगा दिया। तेज़ रोशनी को देखकर आसपास के कई लोग हवेली के पास जाते हैं ताकि वे जान सके कि आखिरकार हवेली के अंदर अचानक से इतनी रोशनी कैसे प्रज्वलित हो गई, क्योंकि रोशनी तो वहाँ से आ ही नहीं सकती। वह तो घर खंडर हो चुका था और वहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा था। सभी लोग हवेली के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और हवेली के अंदर जाने का निश्चय कर लेते हैं। जब सभी लोग उस रोशनी को देखने के लिए लाल हवेली के अंदर गए, तब उन्हें मंद मंद स्वर से कुछ मंत्रों का उच्चारण करने की आवाज़ आती है। मंत्रों की आवाज़ हवेली के सभी दिशाओं से आ रही थी। सभी लोग मंत्रों को एक ही ल का उच्चारण करते हुए सुन रहे थे, तो वे थोड़े से भयभीत हो जाते हैं क्योंकि उस हवेली में तो कोई मनुष्य दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो फिर मंत्र कौन पढ़ रहा था। तभी अचानक से रोशनी एकदम से कहीं गायब हो जाती है और घनघोर अंधेरे में बदल जाती है। मंत्रों का उच्चारण भी वहीं रुक जाता है। लाल हवेली के अंदर जैसे घनघोर अंधेरा अचानक से ही सिमट गया हो ऐसा लगने लग जाता है। हर तरफ सन्नाटा पिसल जाता है। तभी सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि अचानक से ही रोशनी कहाँ गायब हो गई और मंत्र उच्चारण भी क्यों रुक गए और कौन है जो यह इस सुनसान हवेली के अंदर इन गतिविधियों को कर रहा है। सभी लोग बहुत ज़्यादा भयभीत होकर इन बातों पर विचार ही कर रहे थे कि तभी उस घनघोर अंधेरे में लाल आँखें 3 दिखाई देती हैं जो कि लगातार उनकी तरफ बढ़ रही होती है। सभी लोग उस लाल आंख को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह से डर जाते हैं।
तभी वो लाल आंखों वाली भयावह शक्ति जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। हंसी इतनी ज़्यादा भयावह और उग्र थी कि उस हंसी को सुनकर सभी लोगों के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। वे सभी लोग अपने हाथों से अपने दोनों कानों को बंद करने की कोशिश करते हैं। सभी गांव के व्यक्ति को कुछ भी समक्ष नज़र नहीं आ रहा था कि हंसी की आवाज़ किसकी है और कौन से कोने से आ रही है। कुछ ही देर के बाद वह हंसी की आवाज़ बंद हो जाती है और वह लाल आंखों वाली शक्ति गांव वालों के पास आकर खड़ी हो जाती है, जो उस अंधेरे में बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी, जिसकी शारीरिक ऊंचाई लगभग 9 फीट थी और सभी गांव के लोग सिर उठाकर उस लाल आंखों को बस देख रहे थे, जो कि एक कोयले के अंगार की तरह दहक रही थी। तभी उस राक्षस ने कहा कि तुम यहां पर कैसे आ गए, तुमको किसने अनुमति दी थी यहां पर आने की, चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहां से मार दूंगा और भाग जाओ यहां से, ये मेरा घर है, भागो मेरे घर से वरना मार दूंगा। तभी अचानक से एक लाल रोशनी पूरी हवेली में प्रज्वलित हो जाती है और जब गांव वालों ने देखा कि उनके सामने एक राक्षस है जिसके सिर पर 3 आंखें हैं और शरीर की ऊंचाई लगभग 9 से 10 फीट है और उसके बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं और उस पर 2 सिंह भी लगे हैं, उसने एक ब्राह्मण के जैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। सभी लोग इस दृश्य को देखकर दरवाजे की ओर भागते हैं। जैसे ही लोग दरवाजे की ओर पहुंचते हैं कि वार्ड अपने आप बंद हो जाता है। सभी लोग सहम कर एक पल के लिए दरवाजे के पास ही खड़े हो जाते हैं। दरवाजे को खोलने की वे कोशिश करने लग जाते हैं किंतु वे नाकामयाब रहते हैं और डर के मारे दरवाजे को पीटने लग जाते हैं। तभी वह राक्षस उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और दहाड़ते हुए हंसने लग जाता है। सभी लोग उस बंदे को देखकर हंसता हुए देखकर और भी चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि कृपया हमें जाने दो, हम तुम्हारी हवेली में कभी भी नहीं आएंगे, हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। तभी उन लोगों में से एक वृद्ध आदमी आगे आता है और कहता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम दरवाज़ा खोल दो, हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, हम तो बस देखने आए थे कि आखिरकार चिंतामणि जो कि इस लाल हवेली का मालिक था आखिरकार वह यहाँ तो नहीं रहता है, तो फिर उसके यहाँ पर इस हवेली में कैसी अद्भुत रोशनी प्रज्वलित हो गई थी। तभी वह राक्षस कहता है कि मैं ही चिंतामणि हूँ, पर अब मैं ब्रह्म राक्षस बन चुका हूँ, इस लाल हवेली का स्वामी मैं ही हूँ, इस लाल हवेली में मेरी आज्ञा के बिना कोई नहीं आ सकता, यदि कोई आ जाएगा तो फिर वह अपनी जान गंवाकर ही जाएगा। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है जो कि अभी बंद था। ब्रह्म राक्षस साफ साफ कह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, एक पल के लिए ऐसे समझ लो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और किंतु यहाँ पर दोबारा कभी लौटकर मत आना, भाग जाओ यहाँ से, जाओ भाग जाओ। सभी लोग सिर पैर एक साथ रख कर वहाँ से भाग जाते हैं और लाल हवेली से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह यह खबर पूरे गाँव में फैल जाती है कि लाल हवेली में एक ब्रह्म राक्षस का वास है और वह बहुत ही भयानक और खौफनाक है। कुछ दिन के बाद गांव के लोगों ने बताया कि जो भी उस लाल हवेली के आसपास रहती हैं वे सभी लोग बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं और घर में कोई ना कोई सदस्य की मौत भी हो रही है। सभी लोगों के यहां पर दहशत फैल जाती है कि आखिरकार यह ब्रह्म राक्षस कैसे यहां पर आ गया और क्यों आया है। उनके घर के सभी सदस्यों की हालत एकदम ख़राब होने लग जाती है और किसी ना किसी व्यक्ति की रहस्यमयी मौत भी हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी एक पल के लिए तो सच भी बताई जाती है क्योंकि यह कहानी अक्सर सुनने में आती है कि वहीं के एक 19वीं शताब्दी में ऐसा व्यक्ति था और वहां पर ऐसी एक हवेली भी थी जो कि बिहार की गोपालगंज की बताई जाती है, जहां पर यह भूतिया हादसा हुआ था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको भी कहानी इस तरह की अच्छी लगती है या आपको भूतिया स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।